नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेलकम ऑन कॉप्स एकेडमी। आज हम मध्य प्रदेश जीके की सीरीज के अंतर्गत जिस जिले की शुरुआत करने जा रहे हैं वह हमारा नीमच जिला है। मित्रों, हमने अभी जो मध्य प्रदेश जीके की सीरीज प्रारंभ की है उसमें हमने भोपाल संभाग देखा था, अर्थात भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले सारे ज़िले हैं वहाँ देख लिए हैं। अब हम उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले जो ज़िले हैं उनको देख रहे हैं, तो उसमें आज हमारा जो ज़िला है वह हमारा नीमच जिला है। देखिए, नीमच जिले से संबंधित जो भी डाटा है, जैसे कि इसकी भौतिक स्थिति हो जाएगी, साथ में यहाँ की फसलें, इसका सामान्य परिचय और यहाँ के जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है उसको हम देखने वाले हैं। साथ में नीमच जिला आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका कारण यहाँ है कि आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत आपकी यहीं से हुई थी। तो कब हुई, कैसे हुई, उसे हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नीमच जिला है उसको हम इसकी जो भौतिक स्थिति अर्थात मध्य प्रदेश का में इसका स्थान कहाँ पे है उसको देखने वाले हैं, फिर मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति कैसी है। तो देखिए, यहाँ आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में जब आप नीमच जिले को बात करते हैं तो नीमच जिले की तरफ चलते हैं, तो यहाँ देखिए आपका पश्चिमोत्तर जिला है। जो नीमच जिला है यह पश्चिमोत्तर जिला हो जाएगा, इसकी स्थिति यहाँ हो जाती है। अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपका राजस्थान जो ज़िला है यहाँ मुख्य रूप से लगा है, जैसे इधर भी राजस्थान है, इधर भी राजस्थान है, राजस्थान का हिस्सा यहाँ पे अधिकतर छू रहा है। मध्य प्रदेश का मंदसौर ज़िला, कौन सा, मध्य प्रदेश का जो मंदसौर ज़िला है वहाँ इसको छू रहा है। उसको देखें अगर हम, तो ये वाला यह आपका मंदसौर हो जाता है। नीमच के सिर्फ दक्षिण पूर्वी, यह आपका दक्षिण वाला और यहाँ पूर्व वाला हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्से में मंदसौर जिला है वहाँ छूता है, बाकी अन्य में यहाँ पे राजस्थान के जो ज़िले हैं वो आ जाते हैं। या तो आपकी जो नीमच जिला है उसकी स्थिति हो जाएगी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। आगे मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है, सॉरी नीमच का जो सामान्य परिचय है, जैसे इसका नाम नीमच क्यों पड़ा उसे हम देखेंगे, साथ में यहाँ का जो अन्य फैक्चुअल डाटा है वह भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यही लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमको आगे की जो वीडियो है उनको बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो इसमें परिचय से हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो देखिए, आज आपको नीमच जिले से संबंधित वो डाटा मिलने वाला है जो हम आपने आज तक देखा ना होगा या फिर आपको बहुत कम बुकों में मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम इसका परिचय की शुरुआत करें तो जावद तहसील, नीमच जिले की एक तहसील है जावद, यहाँ से एक ताम्रपत्र मिला है। उस ताम्रपत्र में नीमच शब्द का प्रयोग नीमच के लिए किया गया। देखिए, जो नीमच जो तहसील है या फिर जो नीमच जिला है वहाँ की एक जो तहसील है जावद, वहाँ पे क्या एक ताम्रपत्र मिला है, उस ताम्रपत्र में नीमच नाम मिला है और उसी के नाम पे आपका नाम नीमच हो जाएगा। कुछ अन्य कथा भी है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जो नीमच है इसकी स्थापना मीनाओं के द्वारा की गई। किन के द्वारा? मीनाओं के द्वारा। साथ ही साथ इसको पहले मीनच कहा जाता था, मीनच, आगे कालांतर में यही मीनच चल के नीमच हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बनते हैं भाई, बिल्कुल पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखें, आपका एक ऐसा ज़िला है यहाँ कि जिसकी आकृति हृदय के आकार की है। देखिए, बहुत यूनिक क्वेश्चन निकल के आया है कि जो नीमच जिला है उसका आकार कैसा है, हृदय के जैसा, बहुत कम बुकों में मिलने वाला है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल 100% पूछे जाने हैं। तो देखिए, नीमच जिले का आकार आपका कैसा होगा, हृदय के जैसा। आगे जब देखते हैं आप, तो आगे आता है नीमच। देखिए, अब हम जिला पढ़ रहे हैं, हमने शुरुआत में कहा था कि जो आपका नीमच है यह पहले मंदसौर की तहसील हुआ करता था। तो ये जिला कब बना, जिले की जब बात करें तो नीमच जो ज़िला है, पहले जो मंदसौर की तहसील था वहाँ 30 जून 1998 को यहाँ ज़िले के रूप में घोषित हुआ है, जो कि आज जिसे हम नीमच ज़िले के नाम में जानते हैं। आगे देख पा रहे हैं अगर, तो मध्य प्रदेश में जो नीमच जिला है यहाँ से आपकी जो 1857 की क्रांति है, ये कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन एक बनता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई, तो आप बता देंगे नीमच। अब पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर डेट भी पूछी जा सकती है, तो आप बोलेंगे 3 जून। देखिए,
3 जून 1857 को नीमच से, अर्थात जो नीमच की सेना की जो छावनी थी वह से आपकी जो 1857 की क्रांति है उसकी चिंगारी भड़की, या फिर 1857 की क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई। आगे देखिए, अब क्या होता है कि नीमच, देखिए तो सही जरा, नीमच जो है, आज मैं आपको इसी नीमच का पूरा फुल फॉर्म बताने वाला हूँ, अर्थात इसको NIMACH जो हम जानते हैं, जिसे नीमच कहते हैं, उसे हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो देखिए, उत्तर भारत की महत्वपूर्ण सैन्य छावनी होने के कारण इसे नीमच, देखिए क्या है नीमच, नीमच को अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा जाता था, नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड केबल हेडक्वार्टर। देखिए क्या हो गया आपका नीमच का फुल फॉर्म, नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड केबल हेडक्वार्टर का जो शॉर्ट रूप है उसे आप नीमच के रूप में जानते हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आपको आज ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जो आपको बहुत कम बुकों में देखने को मिलती है। आगे आप देखिए CRPF, देखिए ऐसा कहा जाता है कि CRPF की जो जन्मस्थली है वहाँ नीमच को माना जाता है। उसकी वजह यहाँ है कि CRPF का जो नामकरण है वहाँ इसी नीमच के अंतर्गत हुआ है। वो कैसे हुआ है उसे हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए कि नीमच को CRPF की जन्मस्थली माना जाता है क्योंकि ब्रिटिश काल में पहले इसको 27 जुलाई 1939 में, कब डेट महत्वपूर्ण है, 27 जुलाई 1939 में CRPF का अगर नाम था तो वो नाम था आपका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। देखिए CRPF को पहले किस नाम से जाना जाता था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। अब क्या हुआ, जब देश की आज़ादी हुई तो उसी आज़ादी के टाइम पे, सॉरी ये जो डेट है गलत हो गई, यहाँ 1950 नहीं, यहाँ पे 1949 है। तो देश की आज़ादी के 2 साल बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उनके द्वारा इसी CRPF अर्थात इसी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम परिवर्तित करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। तो इसी वजह के कारण आपका जो CRPF की जन्मस्थली है किसको माना जाता है बताइए, नीमच को माना जाता है। ठीक है, आपको मैं कुछ क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से देने वाला हूं, तो प्लीज़ उन जो क्वेश्चन है उनका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, वहां आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, अगर आप इस पौधे को पहचानते हैं, गौर से देखिए यह पौधा किसका है, यहाँ अफीम का पौधा है भाई। सबसे ज़्यादा आपकी अफीम कहाँ पे होती है, आपकी नीमच और मंदसौर इन्हीं ज़िले में होती है। तो नीमच में आपकी जो अफीम की खेती है वहाँ अत्यधिक मात्रा में होती है, जिससे आपका ड्रग्स, ब्राउन शुगर, इन चीज़ों का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, या फिर इसी अफीम के पौधे से ड्रग्स या फिर ब्राउन शुगर का उत्पादन किया जाता है। ध्यान से देखिए, इसे आप अफीम का पौधा कहते हैं, या फिर ये जो आप अगर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं, ये जो है इसको डोडा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जो पत्ती रहती है उसके द्वारा इसमें ऐसे ऐसे किया जाता है जिससे इसका जो दूध रहता है वो निकलता है, और उसी दूध को कलेक्ट करके इससे जो अन्य सामग्री जैसे कि आपका ड्रग्स हो जाता है, ब्राउन शुगर हो जाता है, उनका यहाँ पे निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। इसके लिए यहाँ के किसानों को सरकार पट्टे देती है और उस पर्टिकुलर पट्टे की जगह में वहाँ इसका उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको जितनी जगह है पूरी ज़मीन में बो दिया, ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल पूरा जो आपका नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रहता है वहाँ इन पे पूरी पाबंदी या फिर पूरी निगरानी के साथ सजग रहता है। तो यहाँ पे आपकी अफीम की खेती हो गई। आगे जब आप देख पा रहे तो साक्षरता देखिए, साक्षरता यहाँ की है 70.8%, यहाँ का लिटरेसी रेट हो जाएगा। उसके अलावा जब आप लिंग अनुपात देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इसका 954 अर्थात 1000 पुरुषों पे 954 महिलाएं कहाँ हैं आपकी, नीमच के अंतर्गत हो जाएगी। घनत्व की बात करें तो 194 का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर पे 194 पुरुष या फिर व्यक्ति यहाँ पे मिलने वाले हैं। जब यहाँ पे आप SC की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति आपकी 13.5% हो जाती है, और अनुसूचित जनजाति की जब बात करें तो 80.6% हो जाती है। दोस्तों हमें पढ़ना है, लेकिन बोर होकर नहीं पढ़ना है भाई, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालनी है, हम किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे, हम तो खुद के लिए पढ़ रहे ना। तो यार पढ़ो ना भाई, क्योंकि क्या है, खुद के लिए पढ़ रहे हैं, दूसरों के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। हमें जॉब लगाना है, कोई दूसरा थोड़ी आएगा हमारी जॉब लगाने के लिए भाई। हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के हमारा कुछ भी नहीं होना है। हम कितना ही सोचे भाई ये कर ले वो कर ले, कभी कुछ नहीं होगा, बस हमको पढ़ाई पर ध्यान देना है। देखिए आगे जब आप देख पा रहे हैं
तो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आया है। वह क्वेश्चन क्या है कि नीमच में 21 से 24 जनवरी, देखिए जो शहाबुद्दीन औलिया का उर्स है ये जो नीमच के अंतर्गत लगता है, इसकी जो डेट है यहाँ भी महत्वपूर्ण है, साथ में इसका मंथ जैसे कि 21 से 24 जनवरी यहाँ भी पूछ सकते हैं, और जो जो महीना है, महीना कौन सा आपका जनवरी का जो माह है, यहाँ भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और साथ साथ ये जो शहाबुद्दीन औलिया वाला जो उर्स का जो क्वेश्चन है, यह एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे देखिए, आगे आता है प्रमुख धार्मिक स्थल नीमच जिले के अंतर्गत आने वाले कुछ धार्मिक स्थलों में जब देखते हैं तो कुकड़ेश्वर महादेव, भादवा माता मंदिर, कैलाश्वर महादेव और नवतोरण मंदिर, यहाँ महत्वपूर्ण स्थल होने वाले हैं। फिर से देखिए, कुकड़ेश्वर महादेव, भादवा माता मंदिर, कैलाश्वर महादेव मंदिर और नवतोरण मंदिर, यहाँ नीमच जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा धार्मिक तो हमने देख लिए, थोड़े अन्य स्थल भी तो देख ले भाई। अन्य स्थल की जब बात करें तो आकाटोनी इमारत, देखिए आकाटोनी जो इमारत है यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, इसे हम आगे देखने वाले हैं। साथ में यहाँ पे गांधी सागर अभ्यारण्य, माखन बांध, आजमगढ़ का किला, बादल महल, शीश महल, जीरो का किला, आपसे बोला था कि आकाटोनी इमारत क्यों महत्वपूर्ण है उसे हम अब देख लेंगे। पहले इससे संबंधित कुछ अन्य डाटा भी तो देख लें। अन्य में बात करें, एक आता है अठाना। देखिए अठाना एक ये ग्राम है या फिर जगह मान सकते हैं, ये क्या राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ पे नंदन प्रिंट, देखिए ये जो प्रिंट है ये कपड़ों के ऊपर की जाती है, यह बहुत ही मशहूर है। तो ये जो आपका नीमच जिला है, नीमच जिले के अंतर्गत जो नंदन प्रिंट है अगर वहाँ कहीं पे किया जाता है तो वह अठाना के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखिए कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, तो जो कुकड़ेश्वर मंदिर है यहाँ प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। एक थोड़ी सी इसमें शायद मिस्टेक हो गया है, ये जो कुकड़ेश्वर है ये इसके बाद जो महादेव है ये गलत है, से यहाँ पे सिर्फ कुकड़ेश्वर मंदिर आने वाला है। सॉरी दोस्तों, अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ यार छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिए ना यार। देखिए आगे देखिए, कुकड़ेश्वर आपका प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल हो जाएगा। आगे जब देखते हैं आप तो आता है नवतोरण मंदिर। देखिए ये जो मंदिर है इसमें भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया है, किसमें, नवतोरण मंदिर के अंतर्गत। और ऐसा कहते हैं कि मध्य प्रदेश में यहाँ सिर्फ ऐसी जगह है जिसमें एक बड़े आकार में भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति को स्थापित किया गया है। ठीक है, ऐसा एकमात्र मंदिर है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिसमें भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति को स्थापित किया गया है। देखिए हमने आपसे कहा था कि जो आकाटोनी इमारत है, जहाँ पे आया था आपका, ये आकाटोनी इमारत है ये महत्वपूर्ण थी, क्यों थी उसे अब आप देखने वाले हैं। तो देखिए 1818 में यह जो आकाटोनी इमारत है इससे संबंधित हमारे पास डाटा निकल के आया है कि आकाटोनी इमारत जो है 1818 में सर डेविड आकाटोनी, देखिए ये अंग्रेज थे, इनके द्वारा, जो सर डेविड आकाटोनी थे इनके द्वारा इस इमारत का निर्माण करवाया गया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया, आकाटोनी इमारत। अब क्या हुआ, ये जो इमारत थी यहाँ पहले तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आती थी, लेकिन आज यहाँ पे आपका CRPF का मुख्यालय, देखिए CRPF के लिए सबसे मुख्य जगह अगर मध्य प्रदेश में कहीं पे है या फिर भारत में भी अगर माने तो नीमच है, क्योंकि यहाँ पे उसको वास्तविक रूप प्राप्त हुआ है, उसका वास्तविक नाम मिला है। कहाँ पे मिला है आपका, नीमच जिले के अंतर्गत, क्योंकि CRPF से संबंधित हमने देखा कि CRPF को पहले किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका जो आज का जो वास्तविक नाम है वहाँ दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह आपका नीमच जिला पूरी तरह कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई।